बच्चे पर देखना ये कैसे डरेगी तो फ्रेंड्स अस्सलाम तो वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो जी कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सब जहाँ कहीं भी हैं खर व खैरियत से रहें कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके आमीन सुब आमीन तो जी फ्रेंड्स अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है जैम जो है ड्यूटी पर जा चुके हैं और मैं करूँगी अपने पूरे घर की सफ़ाई आज मेरी तबियत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे सर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत चक्कर आ रहे हैं लेकिन आ, काम अगर मैं करके ना सोई ना तो फिर अगर मैं लेट भी उठूँगी ना तो फिर काम मेरे सर पे सवार रहता है और नींद नहीं आती तो मेरा यही है कि सफाई करके जो है ना एक ही दफ़ा फिर मैं सोऊं और ये जो है ना ये ये बहुत शरारती हो गया है बहुत ज़्यादा इतनी इतना ज़्यादा कि ये मेरी पिटाई करता है <laughs> तो <laughs> मिल ये है, मिली गुगू भैया गुगू भैया दे मिली पाली जी तो पहना <laughs> तो जी फ्रेंड्स बस यहाँ पे जो है पूरे घर की सफाई हो चुकी थी और मैं कह रही थी यहाँ पे अब डस्टिंग और डस्टिंग जो है करते करते जब मेरी नज़र माइक्रोवेव पे पड़ी तो काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी आ गई हुई थी इसके ऊपर जबकि मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ असल में यहाँ पे लाहौर पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हवाएं चलने लग गई हैं और काफ़ी मिट्टी वाली जो है ना आजकल हवा चल रही है जिसकी वजह से डस्टिंग तो मैं कहती हूँ कि आपको हर दो घंटे बाद करना ज़रूरी है तो माइक्रोवेव जो है बस यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी पहले इसको मैंने जो है अपने स्पंज के साथ जो है साफ़ किया है मैंने शेल्फ़ के लिए और माइक्रोवेव हो गया फ्रिज हो गया इसके अलावा मेरा डिस्पेंसर हो गया इसके लिए मैंने एक अलग से स्पंज रखा हुआ है और बर्तनों वाला मेरा स्पंज बिल्कुल अलग है तो उससे जो है मैं साफ़ करूँगी और बस यहाँ पे जो है इसके ऊपर मैं सेटिंग करूँगी कुछ मेरी यहाँ पे कावे हैं और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं मेरी वो मैं इसके ऊपर सेट करूँगी तो आ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि आज हम इस चीज़ की सफ़ाई करेंगे और अचानक से जो है हम उसकी सफाई करने लग जाते हैं और जिस चीज़ पे हमारा काफ़ी फोकस होता है तो हम काफ़ी टाइम तक सोचते ही रहते हैं कि आज हम ये साफ़ करेंगे इसकी सफाई करेंगे लेकिन एक दिन दो दिन तीन दिन गुज़रता गुजरता ही चला जाता है और यहाँ पे जी पूरा घर साफ हो चुका था और उसके बाद जो है मैंने लिया शावर और शावर लेना जो इतना ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि एक तो जब मैं सफाई करती हूँ गर्मी भी है पंखा भी बंद होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्वेटिंग हो जाती है बॉडी पे फेस पे और उसके बाद जो है ना फिर ऐसे लेटने पर दिल नहीं करता तो जी सफाई हो चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है आ, बुखार भी बहुत तेज हो गया है अब मैं शावर लूँगी और उसके बाद जो है मैं कर लूँगी नींद नींद के बाद उठूँगी नमाज पढ़ूंगी और फिर सो जाऊँगी <laughs> फिर असर के टाइम उठकर जब की तैयारी करूँगी और बस यही मेरी रूटीन है पसीना देख रहे हैं कितना ज़्यादा आ रहा है तो हम चलते हैं जी शावर लेने के लिए तो जी बस यहाँ पे शाम को मैं उठी थी और उठते साथ ही सीधा आ गई थी मैं किचन में और जहीम भी जो है हॉस्पिटल से आ चुके थे तो बस यहाँ पे जो है मैं वही चीज़ें फ्राई कर रही हूँ और रफ्तारी में जी यही सब कुछ होता है और जहीम ने यही खाना होता है और मेरा जो है फ्रूट्स खाती हूँ मैं और वो कट करूँगी और बस यहाँ पे जी जो जली के बच्चे हैं वो भी मेरे पीछे पीछे जैसे जली मेरे पीछे पीछे होती है ये भी मेरे पीछे पीछे ये जो वाइट वाला बलुंगर है ना ये बहुत तंग करता है ये पूरी फाइट करता है मेरे साथ और मेरी शलवार जो है अपने हाथ से पकड़ के जो है ना मेरे पाओं पे मेरी फिंगर्स पे जो है ना बाइट करने की कोशिश करता है क्योंकि मैं इसको कमरे से ना जब तंग कर रहा होता है शोर करता है जब मैं बाहर निकालती हूँ तो उसको पता लग गया है कि ये दुश्मन है मेरी तो बस यहाँ पे जी सारे काम जो है साथ साथ हो रहे हैं और एक और बात मैं आप सबके साथ कर करना चाहती हूँ सिक्सटीन कोना कराची की दुआ जहरा जो है वो मिसिंग हो गई थी और जिनकी न्यूज़ जो है मैं कल से देख रही हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है उनकी माँ को रोते देख कर जो है ना आप यकीन करें एक दिल बंद सा हो रहा है और दिल से बस यही दुआ निकल रही है कि यालापाग पाक इनकी बच्ची जहाँ भी है खैर ख़ैरियत से अपने घर वापस आ जाए माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप सब से दुआ की अपील चाहते हैं कि सब मिलकर हमारे लिए दुआ करें कि हमारी बच्ची जो है हमें जल्द से जल्द जल्स मिल जाए उसको कोई ना कोई यही आएगा ये पास आपने छोड़ दे आप क्या क्या जाएगा मगर हमारा पूरा घर चला जाएगा हमारे नजर पर नहीं है कराची की ये बच्ची है दुआ ज़ाहरा जो कि रात के टाइम जो है सिर्फ नीचे कूड़ा फेंकने के लिए अपने फ्लैट से उतरी है और उसके बाद जो है बिल्कुल मिसिंग है पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गई है मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सिर्फ उसी दिन की फोटीज जो है डिलीट कर दी गई है और पेरेंट्स का कहना है कि हमारी किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं है और बच्ची का जो फादर है वो कई साल से घर पे ही जो है जॉब कर रहे हैं उनका काम जो है घर पे बैठ कर ही है उन्होंने अपने घर में एक रूम बनाया हुआ है आईटी का जो है वो काम करते हैं जिसकी वजह से उनका घर से बाहर निकलना तो बनता ही नहीं है इसलिए वो घर पर ही होते हैं और उनका यही कहना है कि हमारी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है हमारी बच्ची भी छोटी है चौदह साल की कोई एज नहीं होती बच्चियों की और वो यही कह रहे हैं कि ना ही उसके किसी के साथ तलुकात हैं ना ही कोई ऐसी वैसी बात थी अगर हमारी बच्ची खुद भी गई है तो अगर वापस आएगी हम आप सबको खुद बताएंगे लेकिन फिलहाल हमारी बच्ची ऐसी नहीं है सबसे बड़ी बेटी है हमारी तीन बेटियाँ हमारी तो आप सबसे अपील है कि हमारी बच्ची के लिए जो है आप सब मिलकर दुआ करें तो मेरे भी जितने YouTube की फैमिली है जो कि मुझे देख रही है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या पता किसी एक की दुआ जो है अलग जो और वैसे भी चालीस लोग जब एक साथ मिलकर आमीन बोलते हैं तो दुआ जो है जल्द से जल्द पूरी होती है तो दिल से दुआए इन पेरेंट्स के लिए उनकी तरफ के लिए एक बंदा इस दुनिया से चला जाता है ना तो एक सबर सा आ जाता है पता होता है कि वो चला गया है अल्लाह पाक ने वापस जो है ले लिया है ये इसकी कब्र है हम जाते हैं हम वहाँ पर रोते हैं सूरत फातह पढ़ते हैं हमें सुकून मिलता है हम वापस आ जाते हैं लेकिन गुम हुई चीज हो गुपावा इंसान हो उसका सब्र नहीं आता सारी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उसका सब्र जो है बिल्कुल भी नहीं आता तो बस यहाँ पे जो है मैं आई थी आ, मार्केट अफदारी करने के बाद और मार्केट में जो है मुझे कुछ दुपट्टे लेने थे अपने ड्रेसेस के साथ और उनको डाई करवाना था और कुछ लेसस वगैरह लेनी थी वो मैं यहां पे लेने के लिए आई हूं और बड़ी मुश्किल से मुझे एक दो दुपट्टे पसंद आए हैं एक तो है मैंने घर से ही निकाला था वो मेरी मम्मा ने मुझे दिया था वो प्योर का दुपट्टा था उसको मैंने डाई करवाना था और एक मैंने जो है औरगेंजा का दुपट्टा लेना था वैसे मैं शिव के दुपट्टे जो है ज़्यादा शौक से लेती हूँ और फ़र्स्ट टाइम जो है मैं औरगेंजा लेने लगी हूँ तो ये वाला जो है और गेंजा का मुझे दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगा था और इसके प्राइस जो हैं वो थे सेवनटीन हंड्रेड इन्होंने जो है मुझे दिया था फोटीन हंड्रेड का यानी काफ़ी ज़्यादा मैंने बार्गेनिंग करवाई हुआ कुछ यूँ था इनके जो ऊपर ड्रेसिस परे हुए हैं ना ये जो कपड़ों वाले जो थान परे हुए हैं वो मेरे सर के ऊपर गिर गए और इनको मैंने बोला भी है कि आपके ये कपड़े जो है गिर, गिरने वाले हैं कहते हैं नहीं, नहीं नहीं गिरेंगे नहीं गिरेंगे आप बैठ जाएँ आप बेफिक्र हो जाए और वही बात है आकर मेरे सर के ऊपर गिरे और मेरे सर की दर्द पहले ही थी और वो गिरने के बाद बेतहाशा शुरू हो गई और उसके बाद जो है मुझे बुखार भी हो गया मेरा कुछ सिस्टम इस तरह का है जिसम का मुझे चोट लग जाए मैं गिर जाऊँ मुझे कोई चीज़ लग जाए तो मुझे टेम्परेचर हो जाता है तकलीफ के साथ तो यहाँ पे जी शफून के दुपट्टे भी जो है मैंने वो भी देखे और लेकिन फिर एक माइंड बनाया हुआ था कि जी मैं और गेंजा का दुबट्टा ही लूँगी तो बस यहाँ पे और गेंजा का दुबट्टा ही जो है मुझे पसंद आया तो बस मैं वो लेने के लिए आई हूँ और वो लेने के बाद उसको मैं करवाऊंगी डाई और माशाल्लाह माशा दो ढाई साल से जो है ना ईद की रौनक जो हम देखना चाहते थे हम नहीं देख पा रहे थे इस साल अल्लाह पाक ने हम सब पे कर्म किया है कि हम ईद की जो रौनकें हैं वो दोबारा से देख रहे हैं वैसे तो रमज़ान ही जो है वो हमारी तीस दिन जो है ईद के ही होते हैं और ईद वाले दिन जो है हम लोग सोकर ही जो है ना ईद गुज़ारते हैं हमें इतनी थकावट हो जाती है ईद की शॉपिंग करने के बाद कि हम नए कपड़े भी जो है ना नहीं पहन सकते लेकिन हम लोगों ने तैयारी खूब करनी होती है ईद की और बस ये रौनकें होती हैं बाज़ारों में और यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा रही हूँ ये दुपट्टे जो हैं डाई हो रहे हैं और कितना खूबसूरत सीन लगता है जिस टाइम दुपट्टे डाई हो रहे होते हैं और जब उसको ऐसे हवा में जो है ड्राई करते हैं बहुत ही जो है ना अच्छा सीन लग रहा होता है यहाँ पे तो जी बस माशाल्लाह से हाँ बड़ी रौनकें लगी हुई हैं आजकल मार्केट में और अभी जो है मेरी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता ही लूँगी और आप सब ने गज करना है कि इस दफ़ा जो है मेरा ड्रेस किस कलर में है वैसे दुबट्टा जो है मेरा ऑरेंज है ऑरेंज दुबट्टा जो है मैं बदवा रही हूँ यहाँ पे बस डाई हो रहा है मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ और एक वो जो स्किन दुबट्टा है ना अब जो ड्राई हो रहा है वो भी मेरा ही दुबट्टा है तो यहाँ पे जो है चूड़ियाँ वगैरह देखें कितने अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं और इस दफ़ा जो है मैं भी चूड़ियाँ पहनूँगी वैसे आपको पता है मैं हमेशा चूड़ियाँ जो इतने शौक से नहीं पहनती लेकिन इस दफ़ा जो है मैं भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप आप सबके लिए बनाया था जो मेरी आउट ऑफ कंट्री में बहने रहती हैं उन्होंने कहा था कि हमें स्वीटी ईद की रौनकें ज़रूर दिखाना और यहाँ पे देखिए यार कितने मज़े की जो है ना रौनक लगी हुई है मार्केट में कि दिल खुश हो रहा था अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को पूरी दुनिया को जो है बीमारियों से बचा आफतों से बचा कर रखे और हम सब को जो है अपने हिफो ई ईमान में रखें आमीन सुबह आमीन और इसी तरह जो है हम अपने प्यारों के साथ खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करें और ईद हो रमज़ान हो शबरात हो जब तक हमारे प्यारे हमारे साथ ना हो ये त्यौहार त्यौहार नहीं लगते तो बस यहाँ जी मुझे नज़र आया कुल्फी वाला और कुल्फ़ी देखने के बाद आ गया बचपन याद और किस किस को जो है बचपन याद आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो बस जैसे ही हमने यहाँ से कुल्फ़ी ली फिफ्टी रुपीज़ की ली थी और आप यकीन करें यार इतना मज़ा आया कुल्फी खाकर ऐसा लगा जैसे हम अपने बचपन में वापस चले गए हैं वही जायका वही मैं आपको क्या बताऊँ आज मैं दोबारा जाऊँगी मार्केट अपना मैंने ना एक दुपट्टा वापस लेना है उसको मैंने पीको के लिए दिया हुआ था तो मैं दोबारा आज ये वाली जो है ना कुल्फी खाऊंगी बहुत मज़े का था इतनी में जो है ना एक आंटी आ गई हुई कह रही थी मेरे बच्चे को भी कुल्फी ले दें तो मैंने जहीम को बोला कि जहीम आप ये वाली कुल्फी बच्चे को पकड़ा दो और मेरे लिए जो है ना एक और बनवा लो तो जब आप कोई खाने वाली चीज़ खा रहे हो और इस तरह से कोई आ जाए तो उसको पैसे देने पर दिल नहीं करता उसको दिल करता है कि हम जो खा रहे हैं हम वही जो है ना उसको खिला दें वही हम उसको लेकर दे दें तो बस यहाँ जो मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था ना वो होता है यहीं पे कंप्लीट और बाजार से फिर मैं गई थी टेलर के पास टेलर को जो है मुझे अपने एक ट्राउज़र का पीस देना था वो दिया उसके बाद मैं मम्मा पापा के पास गई मम्मा पापा ने कहा कि जी वाटर खा लो तो बस यहाँ पे वाटरमेलन खाया और जब हम घर आने लगे तो अम्मा ने कहा मैंने बिरयानी बनाई है बिरयानी खा लो तो जो बस यहाँ पे मम्मा ने जब कहा बिरयानी का कह तो मैंने कहा कहाम आप बिरयानी खा लो और जईम ने जब बिरयानी खाई और अभी तक जईम कह रहे थे कि यार आपकी मम्मा ने जो बिरयानी बनाई थी ना रात को बहुत टेस्टी थी जईम कहते हैं मैंने इतना पेट भर के बिरयानी खा ली कि मेरा पेट टाइट हो गया था नीयत नहीं भर रही थी लेकिन वाकई मैंने भी टेस्ट की थी मम्मा ने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ वाकई बहुत मज़े की बन जाती है तो जो फ्रेंड्स होते हैं मेरा यहीं पर ब्लॉग खत्म तो अपनी दो में रखिएगा याद अल्लाह हाफिज़